क्या कर रही है सरकार, केवल और केवल पागल बना रही है युवाओं को और कुछ नहीं। सरकार ये कह रही है कि हम 30% देंगे। पहली बात उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया 30%, उन्होंने कहा अप टू 25%, अधिकतम 25% का मतलब कि 0 से 25%। ये 25% की भी गारंटी नहीं दे रहे। दूसरी बात कह रहे हैं कि अदर संस्थानों में, इस देश का एक सेना का जवान जो माँ भारती की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को त्याग देता है, अपने घर परिवार अपने गांव बीवी बाल बच्चों को त्याग करके जैसलमेर की गर्मी हो या कारगिल के ठंड विपरीत परिस्थितियों में देश का सेवा करता है, वो 4 साल बाद ATM के बाहर जाकर गार्ड की नौकरी करेगा? वो 4 साल बाद कहीं और जाकर के गार्ड की नौकरी करेगा? अपने मजाक बना के रखा हुआ इस देश की, हम कैसे आपकी बात पर भरोसा कर ले? ये वही सरकार है जिसने कहा था कि 50 दिन में अगर नोटबंदी की स्थिति सही नहीं हुई तो मुझे फांसी पर लटका देना। ये वही सरकार है जिसने कहा था कि GST लाने से इस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। ये वही सरकार है जिस सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज इन लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है। ये सिर्फ अपनी तानाशाही की नीति से इस देश के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ इनको बहकाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। बात देश की सेवा या 4 साल या 10 साल का नहीं है, बात सवाल इसका है कि सेना की भर्ती कोई MNC में जॉब करने वालों की नहीं है जिनको हम 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग दे दें और बाद में उनको बर्खास्त कर दें। सेना एक हमारे देश की शान है, एक रुतबा है, हम भारतीय सेना का सम्मान करते हैं। और आप भारतीय सेना की अगर भर्ती को 4 साल या 6 साल में बांध रहे हैं तो आप तो सरासर एक मजाक कर रहे हैं। इस देश की जो सरकार है उसने सेना की भर्तियों तक को आप मजाक बना दिया है, क्योंकि उनके पास रोजगार देने के लिए अब कुछ नहीं है। देश की हालत आप जानते ही हैं, रोजगार कहीं पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो सेना के ये भर्तियों का पूरा ड्रामा है, ये सिर्फ ये बताने का तरीका है कि हमारी सरकारों के पास, खासकर केंद्र सरकार के पास, कोई नौकरियां ही नहीं है। तो वो इस तरह का जो ये जो स्कीम्स लेके आ रही हैं सेना को लेकर, तो कभी किसी और को लेकर, तो कभी किसी और को लेकर, ये एक जालसाजी है देश के युवाओं को बेवकूफ बनाने की। और हम इसके खिलाफ, बस हम नहीं चाहते कि सेना जो इस देश की शान है वो 4 साल या 5 साल की ट्रेनिंग देके, आप जैसा कि आपने भाजपा के नेता कैलाश जी का उनका कल बयान भी सुना कि वो कहते हैं कि वो इसके बाद चार उनको जो हमारे सैनिक होंगे जो बाद में जॉब के बाद वापस आएंगे अपनी सेवा के बाद, उनको वो कहते हैं कि उनको वो गार्ड रखेंगे, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हमारे सैनिक क्या गार्ड बनेंगे, चौकीदार बनेंगे? इसलिए वो इस देश की सेवा कर रहे हैं। पहले की भर्ती जो होती थी लॉन्ग टर्म होती थी, उसको पूरी सर्विस मिलती थी करने के लिए, इस बार सिर्फ 5 साल की है। उसको अलग तरह के बहुत डिफरेंट टाइप के उसको छूट्स मिलती थी, उसको मेडिकल्स मिलता था और पेंशन मिलता था। सरकार कह के आई थी कि 1 रैंक 1 पेंशन, या तो ना पेंशन, नो रैंक नो पेंशन पर ला के सीमित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम कर रही है। मोटे तौर पर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ भटका रही है। कोरोना के दौरान भी आपने देखा गया कि किसी भी तरीके के फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, चाहे वो सरकारी नौकरी, किसी भी सरकारी नौकरी को आप उठा लीजिए, फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने फॉर्म डाले थे, आर्मी के अंदर भी डाले थे, एयरफोर्स नेवी के अंदर भी डाले थे। तो एटलीस्ट आप उनको तो ओपन कर दीजिए ना, उनकी क्या गलती? 4 साल पहले जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है उनकी क्या गलती है इसके अंदर कि आपने एक नया योजना लेके आ गए और उन बच्चों को सारी तरीके से पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया। रही बात दूसरी तरफ की, ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो सरासर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ही अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं भारत सरकार। वो इसलिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम छात्रों के ऊपर, हम अपनी योजना को अगर हमें उसे विरोध करना है तो हम विरोध करेंगे, अगर हमें किसी चीज़ से आपत्ति है तो हम आपत्ति दर्ज करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम जो छात्र आंदोलन करेंगे हम उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे। सरासर कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ लोगों को दर्शाता है कि भारत सरकार तानाशाही रवैया अपनाने को आतुर हो पड़ी है। तो मेरा मानना है कि सरासर ये गलत। मैंने साफ साफ लिख रखा है कि देश का जो युवा है वो जब सैनिक बनना चाह रहा है तो वो सैनिक बन के देश की रक्षा करना चाह रहा है, वो अपनी माँ भारती की रक्षा करना चाह रहा है, वो अपनी पैदा की हुई माँ को गर्व महसूस कराना चाह रहा है, वो जिस माँ की कोख से पैदा हुआ है उसको पूरे गांव घर में गर्व महसूस कराना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि वो अपनी माँ को 2 जून 3 टाइम की रोटी खिलाए और हेल्थ फैसिलिटी जो भी भारत सरकार देती आई है उन सबको बुढ़ापे में वो अपनी माँ पे इस्तेमाल करे, अपने बाप पे इस्तेमाल करे। वो ये चाहता है कि कम से कम माँ भारती के